मार्च 1940 की करारदाद जिसने जन्नत से हसीन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को तकमील बख्शी। दुनिया भर में वतन अजीज की तरह पाकिस्तानी व कश्मीरी कम्युनिटी योम पाकिस्तान बरतानिया के अंदर भी इंतहाई जोश व जज्बे से मनाते हैं। वक्त पड़े तो इसकी खातिर हर दुख सह लेंगे, जान लबों पर आ जाए तो फिर भी कह देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 मार्च 1940 में हमारे पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके रुफा का इकार का एक ऐसा कारनामा है जो उनके अजीम जहनों से निकला हुआ एक खूबसूरत ख्याल है। इसको ख्याल रखिए, इसका ख्याल रखिए, इसका ख्याल रखिए। करारदाद पाकिस्तान से दुनिया में बसने वाली अकवाम को एक ही पैगाम मिलता है कि दो कौमी नज़रिया पर कायम होने वाला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अमन, मसावात, रवादारी, अफू व दरगुजर, सब्र व बर्दाश्त और अखुवत का शाहकार है, जिसमें दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, जहालत, फिरका परस्ती और तासुब नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। रहमानिर्रहीम। 23 मार्च जब भी आता है योम पाकिस्तान के हवाले से तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन मकासद के लिए दो कौमी नज़रिए पर पाकिस्तान को हासिल किया गया था वो ये था कि मुल्क के अंदर अमन व इस्तेहकाम होगा, हर एक को इंसाफ मिलेगा, तालीम मिलेगी और हर आदमी को अदल व इंसाफ मिलेगा। लेकिन अफसोस के अंग्रेज़ों से वो मुल्क तो छूटा लेकिन देसी अंग्रेज़ उसके अंदर आ गए और आज हम मुसलमान देखें किसी शोबे के अंदर भी, पाकिस्तान के खेल का मैदान हो या वो तालीम का मैदान हो, तो उसके अंदर हम पिटते जा रहे हैं और आज दहशतगर्दी और वहशत का एक समा पाकिस्तान के अंदर है। तो ये मुल्क के अंदर जब 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान 1914 की बात आती है तो उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह ये तो होता है कि हम सब मुसलमान एक जगह जमा हो जाते हैं और वतन की मोहब्बत ही असल में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान है। The 23rd of March is a significant day for Pakistanis all across the world, and the reason why is because this was the day in 1940 that the resolution was written for Pakistan. It's important for us because it basically gave us the fundamental reasons why we are Pakistanis, and it gives us the way in which the principles that we should adopt as human beings. So about, there's things like faith and humanity and peace, all of these things that the founding members of Pakistan are the ones who built this foundation for us. And as British Pakistanis living around the world, it's important for us to remember this day and celebrate it in any way that we can, because ideally this is where we come from, and that is how we became Pakistanis. So this is a day for us which is something that we should celebrate with pride, because I am Pakistani and I'm proud to be Pakistani. And Raja Muhammad Ishtiaq Qaide Azam plus Britannia ki taraf se Pakistani puri qaum ko Pakistan mein basne wale Britannia basne wale ko yom e Pakistan ki mubarakbad पेश करता हूँ और पूरी कौम से दरख्वास्त करता हूँ कि इन खुशी के दिन में पाकिस्तान की खुशहाली के लिए आप सब मिलकर दुआ करें। देखना गवाना मत, दौड़ते यकीनों। योम पाकिस्तान के वाले से अपने सब बहन भाई को मुबारकबाद हो और ऐसे दिन हमेशा आते रहें और ये इसको योम पाकिस्तान को मनाना भी चाहिए और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए जो यहाँ पैदा भी हुए हैं उनको भी बताना चाहिए और पाकिस्तान का ये 23 मार्च का हम फंक्शन भी करते हैं और इंशाअल्लाह अपने सारे अपने हमसाए, अपने नेबर और अपने जितने चीज़ों घर में उनको बुला के अपना फंक्शन करते हैं और पाकिस्तान का नाम हमें रोशन करना चाहिए। बने दिन मैं हूँ गजनफर महमूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर से मेरा तल्लक है। यहाँ ओवरसीज कश्मीरियों की तरफ से और पाकिस्तानी जो यहाँ बसते हैं बरतानिया में और पाकिस्तान में, उनको मेरी तरफ से और पीटीआई आज़ाद कश्मीर की तरफ से योम पाकिस्तान मुबारक हो। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके का माहौल है, कोई फिरकों में बटा हुआ है, कोई मज़हब में बटा हुआ है, कोई बिरादरी सिस्टम में बटा हुआ है, तो खुदा के लिए जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक कौमें आबाद होती हैं, एक मुल्क की शनाख्त होती हैं, तो हम भी क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तानी बनकर इस दुनिया में जिए। अब हम
اسلام کے اصولوں کے مطابق اسلام کو پہچانیں، نہ کہ ڈنڈا بردار اسلام کے ذریعے جو ہے وہ اسلام کی شناخت کروائیں۔ آج یوم پاکستان کے حوالے سے اور سے پاکستانیوں کی جانب اور کشمیریوں کی جانب سے اپنے تمام پاکستانی مسلمان بھائیوں کو یوم پاکستان مبارک ہو۔ السلام علیکم، ایم شفاقت خان فرام شفا ہربز، لائک ٹو وش ایوری بڈی اے ہیپی 23rd آف مارچ پاکستانی ڈے۔ میرا نام ہے عبد الشفاق اینڈ مبارکباد میں دے رہا ہوں پاکستان آل برادرز اینڈ سسٹرز۔